हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्रीम चीज़ जो कि बहुत मुश्किल से अवेलेबल है मार्केट में, यहाँ इंडिया में बस बड़े शहरों में ही मिलता है, ये कैसे हम घर पे आसानी से बना सकते हैं और फिर उसे रेड वेलवेट केक और चीज़ केक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम इसे कैसे बना सकते हैं घर ही पे और कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने एक कांच की कटोरी ली है, उस पर एक छन्नी लगा लिया है, उसके ऊपर दो लेयर मैंने एक पतला कॉटन का कपड़ा लगा लिया है साफ, और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा लीटर फ्रेश दही। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। और इसके बाद मैं कपड़े को इस चारों तरफ से बंद कर दूँगी और आप देख सकते हैं कि नीचे से पानी ऑलरेडी टपकने लगा है। इसे हमें 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि सारा पानी निकल जाए। ये देखिए 24 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है और सारा पानी दही में से निकल गया है और जो रिमेनिंग है वो ये बचता है। ये ऑलरेडी बहुत क्रीमी हो गया है, बट हाँ, ये अभी तक क्रीम चीज़ नहीं बना है। इसमें हमें मिलाना है नमक, क्योंकि क्रीम चीज़ थोड़ा सॉल्टी और टैंगी होता है, और 1/4 टीस्पून के करीब नमक हम डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं कंप्लीट होने में, बट देन बहुत ही आसान है, तो आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं और अपने चीज़ केक्स, रेड वेलवेट केक, कैरेट केक्स, जिसमें भी क्रीम चीज़ का इस्तेमाल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसमें। बाकी का जो नमक है वो भी डाल दिया मैंने और अच्छे से मिला लूँगी मैं सारे चीज़ों को। ये बहुत ही क्रीमी लग रहा है ऑलरेडी, बट देन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक छोटा सा बोल लिया है मैंने ताकि उसे मैं डाल पाऊँ जो चीज़ बनाए हैं हमने। उसमें मैंने एक लेयर ये कॉटन का कपड़ा लगा लिया है पतला वाला, और उसमें मैं चीज़ को डाल दूँगी। चीज़ मतलब जो ये दही वाला फिलिंग है हंग कर्ड का, उसे डाल दूंगी और फिर से मैं कपड़े से इसे ढक दूंगी ऊपर से, और इसको मैं 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख दूंगी। चीज़ को मैच्योर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप 2 से 3 दिन नहीं रखेंगे फ्रिज में तो ये इसका टेस्ट दही जैसा आएगा, बट देन अगर आप 2 से 3 दिन बाद इसे खाएंगे तो चीज़ वाला जो पूरा एग्जैक्टली क्रीम चीज़ नहीं बनेगा, बट बहुत क्लोज रहेगा। 2 दिन बाद मैंने फ्रिज से इसे निकाला है और देख सकते हैं इसने बहुत अच्छे से वो जो बोल हमने यूज़ किया उसका शेप होल्ड किया है, और यहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड पे उसे डीमोल्ड करूँगी। कटोरे को निकाल दूँगी पहले और उसके बाद हम निकालेंगे कपड़े को। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनता है ये चीज़, और दही वाला टेस्ट जो है वो निकल जाता है और वेरी क्लोज टू क्रीम चीज़। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट है तो एग्जैक्टली सेम नहीं टेस्ट करेगा, बट देन आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू क्रीम चीज़, तो ज़रूर ट्राई करें इसे। और बहुत ही क्रीमी बनता है और टेस्ट भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो मुझे बताएं कैसा बना है। लाइक एंड शेयर माई वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे गाइज, बाय।